दोस्तों अगर आपके YouTube चैनल पर मोनेटाइजेशन स्टेप टू में एरर आ गया है और वहां पर फिक्स इन एडसेंस चेंज एसोसिएशन का ऑप्शन शो हो रहा है और आप इसे खुद से सही करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सही नहीं हो रहा है, तो आप बहुत ही सही वीडियो देख रहे हैं। और इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपके चैनल की मोनेटाइजेशन स्टेप टू एरर प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो टेक्नो गुरुदेव चैनल पर मैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, लेकिन दोस्तों मेरे पास जो भी लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी करता हूं और साथ ही में यूट्यूब पर वीडियो भी बनाकर अपलोड कर देता हूं ताकि जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम आए वो इन वीडियो की मदद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। तो दोस्तों मैं देव सहानी स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। पहली बार चैनल पर आए तो यार सब्सक्राइब कर घंटा दबा लेना क्योंकि टेक्नो गुरुदेव चैनल पर आपके यूट्यूब चैनल और गूगल एडसेंस का ख्याल रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके चैनल पर स्टेप टू एरर आया क्यों है। दोस्तों जब आप अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हैं या 1000 सब्सक्राइबर 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज कंप्लीट करके चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर दोस्तों सेकेंड स्टेप में आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बनाकर चैनल के साथ लिंक करना होता है। दोस्तों जब आप लिंक करने जाते हैं तो आपको वहां पर अपने नेम से गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना होता है या आपके पास पहले से कोई गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है तो आप उसे भी लिंक कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति का एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट पूरे वर्ल्ड में बन सकता है, दूसरा गूगल एडसेंस अकाउंट वो नहीं बना सकता। अब दोस्तों यहीं पर लोग गलती क्या करते हैं कि एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाकर लिंक तो कर देते हैं लेकिन वो कुछ टाइम के बाद उनको लगता है कि ये जो है गूगल एडसेंस अकाउंट काम नहीं करेगा, बस वहीं पर वो छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं, अपने कई सारे जीमेल से गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं और इस वजह से दोस्तों गूगल एडसेंस अकाउंट मैच कराता है बाकी गूगल एडसेंस अकाउंट के नेम से और उसको कहीं पर भी आपका बना हुआ गूगल एडसेंस अकाउंट मिल जाता है तो स्टेप टू में आपको एरर दे देता है और आपको बोलता है कि आपका पहले से बना हुआ एडसेंस अकाउंट है, जाकर उसको सही कीजिए या उसमें सुधार कर उसी को अपने चैनल के साथ लिंक कीजिए। इस वजह से आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन स्टेप टू में एरर आता है। लेकिन दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन टेक्नो गुरुदेव के पास। मैं आपका उसी नेम से गूगल एडसेंस अकाउंट बनाकर चैनल के साथ लिंक करूंगा जिस नेम से आपको स्टेप टू में एरर आ रहा है और आप ही के नेम से गूगल एडसेंस अकाउंट चैनल के साथ लिंक होगा और स्टेप टू डन होगा। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर जो आप चैनल देख रहे हैं ये है हिंदी कोट्स वॉयस करके और इन्होंने दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम शेयर किया, इनकी प्रॉब्लम मैंने चेक किया, अब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाने जा रहा हूं ताकि आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप इस वीडियो की मदद से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। दोस्तों यहां पर स्टेप वन डन हो चुका है, स्टेप टू में एरर आ चुका है और यहां पर फिक्स इन एडसेंस चेंज एसोसिएशन का ऑप्शन दे रहा है। दोस्तों यहां पर हम फिक्स इन एडसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो चैनल के जीमेल से एडसेंस अकाउंट होगा वो ओपन होगा और देखते हैं कि वहां पर क्या इशू दिखा रहा है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं चैनल के जीमेल से एडसेंस अकाउंट नहीं है क्योंकि अगर होता तो ओपन हो जाता, तो हम इस टैब को क्लोज कर देंगे। दोस्तों यहां पर हमारे पास दूसरा रास्ता है चेंज एसोसिएशन का, लेकिन दोस्तों यहां पर इन्होंने मुझसे बताया था कि इन्होंने किसी दूसरे जीमेल से एडसेंस अकाउंट बनाकर चैनल के साथ लिंक किया था। अब दोस्तों यहां पर हमको या तो उस जीमेल से एडसेंस अकाउंट को ओपन करना होगा और उसमें सही करना होगा जाकर जो प्रॉब्लम है, तो चलिए हम एक बार आपको वो एडसेंस अकाउंट ओपन कर दिखा देते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये जो एडसेंस अकाउंट है यही चैनल के साथ इन्होंने लिंक किया था दूसरे जीमेल से, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है और वहां पर स्टेप टू एरर आ गया है। और इस एडसेंस को दोस्तों हम अब करेंगे क्या, इसको हम क्लोज करेंगे क्योंकि क्लोज करेंगे नहीं तो अगर हम वहां पर नया एडसेंस अकाउंट लिंक करेंगे तो हमको बार बार ऐसी प्रॉब्लम आती रहेगी क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपने नेम से एडसेंस अकाउंट बना रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर अकाउंट में आना है, अकाउंट में आने के बाद दोस्तों सेटिंग में जाना है, सेटिंग दोस्तों आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन के पेज पर चले जाना है। दोस्तों यहां पर आपको सबसे लास्ट में क्लोज अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लोज अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर जो है जो भी चीजें आपका गूगल एडसेंस से रिलेटेड होगा वो ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है और यहां पर दोस्तों क्लोज माय अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे दोस्तों क्लोज माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका गूगल एडसेंस अकाउंट सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगा। अब दोस्तों आपको एक जगह से इसको और जाकर क्लोज करना है, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर जो है अपने इस गूगल अकाउंट के मैनेज योर गूगल अकाउंट सेटिंग में चले जाना है, ठीक है दोस्तों। और यहां पर आपको पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन में आ जाना है और यहां पर आने के बाद दोस्तों मैनेज पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों यहां पर आपको जो गूगल एडसेंस अकाउंट का जीमेल होगा
उसके पेमेंट प्रोफाइल को भी क्लोज करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो है ये क्लोज है, तो यहाँ पर हमको कोई भी पेमेंट प्रोफाइल नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों, ये तो काम हमारा हो गया। अब हम चलते हैं चैनल के पेज पर। दोस्तों हम यहाँ पर चैनल के पेज पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर एक नया एडसेंस अकाउंट बनाएंगे उसी नेम से जिस नेम से ये चाहते हैं, और इनके चैनल के साथ लिंक करेंगे और स्टेप टू डन कर आपको दिखाएंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो के बाद भी प्रॉब्लम आती है, तो आप टेक्नो गुरुदेव को प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा। आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। चैनल डिलीट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपका चैनल मोनेटाइज कर आपको दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर चेंज एसोसिएशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं वेरीफाई इट्स यू का हमको जो है यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा से यहाँ पर पासवर्ड डालकर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन फोन पर जाएगा, वो कोड आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों कोड क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर दोस्तों यहां पर ऑप्शन आ जाएगा गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक करने का। आप देख सकते हैं स्टेप टू में यू विल बी रिडायरेक्टेड टू एडसेंस टू कंप्लीट दिस स्टेप, और यहां पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपके पास दोस्तों यहां पर पहले से कोई बना हुआ एक्टिव एडसेंस अकाउंट है, तो आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने चैनल के साथ नया गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक करना चाहते हैं, तो आपको दूसरा बीच वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चूज एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा। दोस्तों आप यहाँ पर अपने जीमेल से भी एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ यूज अनदर अकाउंट पर आप क्लिक करें, और आप यहाँ पर कोई और जीमेल अकाउंट न डालकर आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करें और फॉर माई सेल्फ के ऊपर क्लिक करें। दोस्तों ऐसा करने से आपका एक दूसरे जीमेल अकाउंट से एडसेंस अकाउंट बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और जेंडर सेलेक्ट कर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर दोस्तों अपना एक जीमेल अकाउंट बनाना है, जिससे कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बनेगा। तो हम यहां पर गेट ए जीमेल एड्रेस इंस्टीट्यूट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर क्रिएट योर ऑन जीमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पर आपको अपने जीमेल का यूजर नेम डाल देना है, जिससे कि आपका @gmail.com बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर यूजर नेम डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है, दोनों बॉक्स में आपको सेम पासवर्ड डालना है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों एड रिकवरी ईमेल, अगर आप रिकवरी ईमेल ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, मैं इसको स्किप कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर फोन नंबर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहां पर दोस्तों वही मोबाइल नंबर डालना है, जिससे कि आपने पहले एडसेंस में यूज ना किया हो। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर फोन नंबर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों मोबाइल नंबर डालकर नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड का बटन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो उस नंबर पर एक कोड भेजेगा, ठीक है, वो कोड यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर लेना। दोस्तों वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गेट मोर फ्रॉम योर नंबर का ऑप्शन आएगा, आपको इसको स्किप कर देना है। उसके बाद दोस्तों रिव्यू योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन को आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्राइवेसी एंड टर्म्स आ जाएगा गूगल का, आपको इसको आई एग्री पर आकर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज आएगा आपके सामने गूगल एडसेंस के कस्टमर इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं गूगल एडसेंस का साइनअप पेज आ चुका है, और यहां पर दोस्तों गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस में नो को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट योर कंट्री में आपको यहां पर क्लिक करना है, जो भी आपकी कंट्री है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इंडिया को अपना सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएगा इंडिया का गूगल एडसेंस का, तो आपको इसको एस करना है और यहां पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर गूगल एडसेंस का कस्टमर इन्फॉर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस फॉर्म में दोस्तों आपको सारी डिटेल्स सही सही फिल करना है। सबसे पहला तो इस फॉर्म को आपको इंडिविजुअली यहाँ पर रखना है। उसके बाद नेम एंड एड्रेस में जो भी डॉक्यूमेंट पर नेम है वो नेम डालना है, और एड्रेस डालना है, सिटी डालना है, पोस्टल कोड डालना है, स्टेट डालना है, फोन नंबर डालना है, सबमिट कर देना है। दोस्तों ये डिटेल्स आपको सही भरना है, क्योंकि इसी से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एड्रेस फिल कर दिया, हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज हमको भेज देगा फिर से मोनेटाइजेशन स्टेप टू वाले जगह पर। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद हमारा मोनेटाइजेशन स्टेप टू इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। दोस्तों इन प्रोग्रेस में जाने के बाद आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको बार बार गूगल एडसेंस अकाउंट में जाकर कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। बस आपको 24 से 48 घंटा कम से कम समय लग सकता है, या आपको 2 से 3 सप्ताह ज़्यादा समय लग सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है। बस आपको वेट करना दोस्तों, आपका मोनेटाइजेशन स्टेप टू जो है वहाँ पर डन हो जाएगा। दोस्तों अगर ये पहले ही डन हो गया, तो मैं आपको इसके आगे का भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि मोनेटाइजेशन स्टेप टू डन हुआ कि नहीं। लेकिन आप इस प्रोसेस को अगर स्टेप बाय स्टेप सही से करते गए, तो आपका मोनेटाइजेशन स्टेप टू बहुत ही अच्छे से डन हो जाएगा, और आपका चैनल फाइनली जो है गूगल एडसेंस के साथ लिंक हो जाएगा।
दोस्तों अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, आप बार बार परेशान हो रहे हैं, तो आप टेक्नो गुरुदेव को एक बार इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी और गूगल एडसेंस अकाउंट आपके चैनल के साथ लिंक करके आपको दिया जाएगा। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर घंटा जरूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके यूट्यूब चैनल और गूगल एडसेंस अकाउंट का ख्याल रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।